नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक निगम आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्य टेक्नोवर्ट पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं गवर्नमेंट टीचर्स पर एक ऐसी जबरदस्त टिक लेकर आया हूँ। मतलब दोस्तों यार, एक बार आप अगर शिक्षक हो, अगर आपने इस वीडियो पूरी देख ली तो मतलब यार आप कहोगे कि कहाँ थी ये ट्रिक, अभी तक आपने मुझे क्यों नहीं बताई। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की। मतलब दोस्तों, आप उससे जो है जो आप सामग्री भेजते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, शैक्षणिक सामग्री, उसको दोस्तों जो आप भेजते हैं तो उसमें से आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ। मतलब आप उसमें ये देख पाएंगे कि कौन आपकी सामग्री देख रहा है, कौन किसके पास जा रही है, आपको फुल डिटेल्स। मतलब यार दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो एक बार लास्ट तक जरूर देखें। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है ताकि हमें ये पता चल सके जो हम सामग्री भेजते हैं, जो हमारे शिक्षक सामग्री भेजते हैं, तो वह जो है वो कैसे जाने किस छात्र को वह प्राप्त हो रही है, कौन सा छात्र उसे देख रहा है। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें व्हाट्सएप खोल लेना होगा। खोल लेते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे स्कूल के नाम का ग्रुप है, इसमें जो है सामग्री भेजी जाती है। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। जैसे हमने इसको खोला, फिर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पास 10/6/2020 की यहाँ पास हमारी सामग्री भेजी गई हुई है। तो अब इस सामग्री को हमें ये देखना है कि यह सामग्री हमारे किन किन छात्रों को प्राप्त हुई है। तो इसके लिए दोस्तों, हमें सबसे पहले इस मैसेज को टैप करना होगा। हम इस मैसेज को टैप कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस तरह आइकन दिख रहा है। इसमें हमें ये 3 डॉट पे जाना है और इन्फो पे जाना है। इन्फो में जब जाएंगे दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैसेज है, इसके नीचे लिखा हुआ है रीड बाई। मतलब दोस्तों, रीड बाई मतलब होता है पढ़ना। दोस्तों इसमें देख सकते हैं राजा राम नट। दोस्तों ये जो हमारे छात्र के अभिभावक हैं राजा राम नट, इन्होंने इस मैसेज को देख लिया, पढ़ लिया। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पास नीचे देख सकते हैं कि इसमें लिखा डिलीवर्ड टू। डिलीवर्ड मीन्स दोस्तों किसके मोबाइल पे गया, मतलब किसके मोबाइल पे जा चुका है और उसने अभी देखा नहीं। ये हमारी जानकारी यहाँ पास दिखती है। डिलीवर्ड में हमें यह दिखाया जाता है कि किसके फ़ोन पे जा चुका है, किसके व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया है, बट उसने अभी देखा नहीं। और रीड बाय मतलब होता है दोस्तों, मतलब यहाँ पास उन्होंने हमारे मैसेज को पढ़ लिया है। एक चीज़ और है इसमें, जैसा दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, रीड बाय के नीचे, राजा राम के नीचे इसमें लिखा 7 रिमेनिंग। मतलब अभी हमारे ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उनमें से 7 लोगों ने अभी मैसेज नहीं पढ़ा है। और यहाँ दोस्तों ऐसे डिलीवर्ड के नीचे जो है दोस्तों, ये डिलीवर्ड के नीचे यहाँ पास 4 रिमेनिंग लिखा। मतलब अभी दोस्तों हमारे ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं, जो जी यहाँ पास 7 लोग बचे हुए, उनमें से दोस्तों जैसे कि जो सिर्फ हमें हमारे 3 अभिभावकों को बस यह मैसेज गया हुआ प्राप्त हुआ है, उनमें से अभी 4 तब भी बचे हुए हैं। ये दोस्तों इस कारण से भी हो सकता है कि जैसे कुछ अभिभावक के पास नेट नहीं है, तो इस प्रॉब्लम के कारण, नेट की प्रॉब्लम के कारण यह मैसेज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। पढ़ लिया है। अगर दोस्तों आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, हमारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।